हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे गोल्ड का फ्यूचर फॉर नेक्स्ट वीक। तो गोल्ड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 50,221 पे बंद हुआ है, लगभग 1300 रुपए नीचे, 2.5% डाउन बंद हुआ है। तो यहाँ अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल गई, और जैसे हमने कहा था वो सभी टारगेट जो है तो गोल्ड ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो 51,000 का टारगेट अचीव किया हमने, लगभग हाई देखा था पैनिक हाई लगभग 52,800 का। तो इस साल के जो इन्वेस्टमेंट टारगेट थे कॉन्जर्वेटिव, वो सभी अच्छे हो चुके हैं। अगर ये जो रशिया यूक्रेन का टेंशन है ये कंटिन्यू रहा तो हम जो है तो लगभग 55,000 के लेवल भी देख सकते हैं। अभी भी जो है तो गोल्ड मंथली चार्ट पे बुलिश लग रहा है, मगर यहाँ वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी। हम दोनों साइड के मूव देख सकते हैं, नीचे भी जो है तो वाइड ओपन है अभी, और नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो है 47,000 के अराउंड, तो वहाँ तक भी गोल्ड जा सकते हैं। तो ये रह सकता है साइज ऑफ वोलेटिलिटी, तो नीचे 47,000, ऊपर जो है तो 55,000। और ऊपर की जो टारगेट थे, जो कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर हैं शायद उन्होंने बुक करना चाहिए था, अगर नहीं किया होता तो आपने ऑलरेडी मिस कर दिए है। आपका जो टारगेट था वो 51,000 था, उसके बाद में 52,800 का हाई देखा, तो 500 तक भी आप अगर बुक कर लेते तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। अभी यहाँ जो है तो नीचे सपोर्ट बहुत ही डीपर है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो करंट लेवल पे तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए इस करंट लेवल इज़ नॉट गुड। अगर नीचे 47,000 के अराउंड गोल्ड आता है वोलेटिलिटी के बीच में, तो आपको वहाँ एंटर करना चाहिए और वहाँ से एक्युमुलेशन करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से। अगर यहाँ जो है तो ये जो लेवल है 51,800 का अगर रिजेक्ट हो जाता है गोल्ड से, तो यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है गोल्ड में, और वो गोल्ड को लेकर जा सकती है लगभग 42,000 तक। तो यहाँ दोनों तरफ के रिस्क पोटेंशियल है अभी गोल्ड के लिए। यहाँ हमारा जो टारगेट था वो इन्वेस्टमेंट का टारगेट अच्छा हो चुका है यहाँ से अभी जो है, तो अगर गोल्ड खरीदना ही है तो आपको 47,000 या उसके नीचे के लेवल का वेट करना चाहिए। वैल्यू बाय रहेगा हमारा 42,000 और उसके नीचे। अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में, जो गोल्ड को लेकर जाएगा 42,000 और उसके भी नीचे लेकर जा सकते हैं। और यहाँ जो है तो ये जो कैंडल बनी है ये अभी देखनी है कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर 51,700 के ऊपर क्लोज देती है मंथली कैंडल गोल्ड की, तो हम एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में एंटर करेंगे गोल्ड में, और जो गोल्ड को लेकर जा सकता है जैसे मैंने कहा 85,000 और उसके भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर में, अगर हम ब्रेकआउट देते हैं 51,700 के ऊपर ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस। अगर ये फेल होता है उसके ऊपर क्लोज होने में, तो ये रिजल्ट होगा एक पैनिक सेल ऑफ में, जो सेल ऑफ लेकर जाएगा गोल्ड को 42,000 के करीब और उसके भी नीचे लेकर जा सकता है। तो वो लेवल रहेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उस लेवल का वेट एंड वॉच कीजिए, अगर वो लेवल आता है तो ही एंटर कीजिए। बाकी ट्रेडिंग तो आप कर सकते हो, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए 42,000 या फिर उसके नीचे के लेवल बेस्ट रहेगा लॉन्ग टर्म में। और यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे यहाँ फ्रेश बाय सिग्नल है, ये अर्ली साइन है, ये फेल भी हो सकता है, मगर यहाँ फ्रेश बाय सिग्नल है। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो हमें एक रिकॉर्ड हाई लेवल गोल्ड में आते हुए देख सकते हैं, मगर उसके लिए गोल्ड को मंथली क्लोजिंग देनी पड़ेगी 51,700 के ऊपर। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वोलेटिलिटी लास्ट इस वीक जो है तो गोल्ड फ्लैट पॉजिटिव बंद हुआ है लगभग 109 रुपये की गेन के साथ, मगर इसका जो लो और हाई देखोगे तो लो था 49,700 के अराउंड और हाई था 52,700 के अराउंड, तो लगभग 3000 पॉइंट की मूव आई थी इस वीक। ये दिखाता है कि किस तरह से हाई वोलेटिलिटी है मार्केट में, और ये गोल्ड के लिए लगभग चौथा वीक है जिसमें हम क्लोजिंग के साथ बंद हुए हैं। तो ये एक अच्छी खासी गोल्ड के लिए जो रिस्क ऑफ ट्रेड है ग्लोबल मार्केट में, रिस्क ऑफ चल रहा है तो गोल्ड के लिए रिस्क ऑन ट्रेड कंटिन्यू हो रहे हैं। मतलब रिस्क ऑन ट्रेड मतलब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और इक्विटी मार्केट से निकल रहे हैं। और यहाँ जो टारगेट थे वो दोनों अचीव कर लिए। अभी इसका जो फाइनल टारगेट बचा है वो 55,900 के अराउंड आता है, ये भी आ सकता है अगर ये जो इश्यू है ये कंटिन्यू रहा
तो थोड़ा सा कूल ऑफ के बाद में फिर से जो है तो गोल्ड ट्राई कर सकता है इस टारगेट के लिए। और वीकली चार्ट पे अभी भी हम बुलिश है, हो सकता है कि ये एक नए बुल मार्केट की शुरुआत है, मगर उसके लिए हमें देखना होगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको जो मीडियम टर्म ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड है गोल्ड के लिए, उसमें जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही डीप है, आपको 48,800 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आपने नीचे एंटर किया है और आप होल्ड कर रहे हैं गोल्ड में पोजीशन, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो है 48,800 के नीचे, और आपका जो टारगेट है वो है लगभग 55,900 का, और वो भी आ सकता है। वीकली चार्ट अभी भी बुलिश है, मगर यहाँ एक ही दिक्कत है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से कोई भी लेवल सेफ नहीं है वोलेटिलिटी में जो है, क्योंकि मार्केट डेप्थ कम हो जाती है तो दोनों तरफ के मूव आ जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इन्वेस्टर को किसी भी पोजीशन में लॉस ही होता है, क्योंकि दोनों तरफ मार्केट मूव करता है, तो उसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है और उसकी वजह से लॉसेस भी बिल्डअप होते हैं, तो कोई भी लेवल सेफ नहीं रहता है। तो मगर फिर भी यहाँ बुलिश लग रहा है गोल्ड, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा गोल्ड का वो रहेगा 55,900 का। जो भी जिन्होंने भी रिकॉर्ड लो पे लिया होगा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने पीछे 44,000 43,000 पे ऐड किया है, क्योंकि बीच में एक डिप आया था गोल्ड में, वहाँ अगर आपने बाय किया है फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF, तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,900 का, और ये वोलेटिलिटी आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो एंट्री लेवल था वो नीचे था। अभी देखते डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे गोल्ड जो है तो बहुत ही ओवरबॉट लग रहा है, और वहाँ से अभी कूलिंग चल रही है, तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो सभी अचीव करके गोल्ड ने एक रिकॉर्ड हाई दिखाया था, और हेविली ओवरबॉट है, तो हेविली ओवरबॉट कंडीशन से हम हेविली ओवरसोल्ड कंडीशन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ जो डेली चार्ट में मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो है 47,900 का, तो वो लेवल रहेगा, शायद वहाँ तक भी हम जाएं। अगर उस लेवल पे आता है तो एक ट्रेड ले सकते हो आप, जिसका आपको स्टॉप लॉस रखना है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 500 पॉइंट या 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट रहेगा उस ट्रेड के लिए लगभग फिर से 51,000 52,000 और उसके बाद में 55,500 के टारगेट आप उस ट्रेड में पकड़ के चल सकते हो। अभी यहाँ देखना है, और यहाँ डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सेल सिग्नल आ चुका है, अगर ये कितने दिनों तक कंटिन्यू होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, अगर ये सेल सिग्नल रिजेक्ट हो जाता है वो हम जो डेली एनालिसिस है उसमें देख सकते हैं या फिर उसका फॉलोअप लेंगे, मगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा गोल्ड का रिवर्सल का वो रहेगा 55,500 का। तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, आपको लॉन्ग में भी मौके मिलेंगे शॉर्ट में भी मौके मिलेंगे, मगर उसमें स्टॉप लॉस जाने की बहुत संभावना है, तो आपको मिनी माइक्रो के साथ ट्रेड करना होगा। बड़े बड़े लॉट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको उतना रिस्क पोटेंशियल है तो, क्योंकि यहाँ आपको एवरेजिंग के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, और बाकी जो है तो आपके MTM भी आपको बहुत सारे कैरी करने पड़ सकते हैं, तो उतनी भी आपको पोटेंशियल रखनी होगी। तो मेरी सलाह रहेगी कि जो छोटे ट्रेडर हैं वो फिलहाल तो मार्केट से दूर रहें, मगर आपको अगर व्यू लेना है तो मैं मोस्टली लॉन्ग साइड पे ही जाना पसंद करूंगा, मैं गोल्ड को शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा इस सिनेरियो में। यहाँ आपको सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है, मगर ये सेल सिग्नल रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वॉर सिचुएशन जो है तो वो पर आवर पर डे चेंज होती रहती है, और गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जिसके आप जो है तो बाकी के एसेट के अगेंस्ट हेज में यूज कर सकते हो। तो मैं गोल्ड में लॉन्ग ही रहना पसंद करूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,900 का। इस साल के जो कॉन्जर्वेटिव टारगेट थे गोल्ड के वो दोनों अचीव हो चुके हैं। अगर आपके पास नीचे के लेवल पे गोल्ड है और करंट लेवल पे आपको प्रॉफिट चालू है, तो मैं एक सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर एक कोई ना कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, और उस स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपको गोल्ड में फिर से जो है ना नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से गोल्ड रिवर्स होता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 55,900 का, और यहाँ दोनों तरफ के मौके मिलेंगे तो आपको उस तरह से लेना है, और यहाँ रिस्क पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, स्टॉप लॉस डीप रखने होंगे, मगर मोस्टली आई विल प्रीफर लॉन्ग साइड,
नीचे अगर सपोर्ट पे जो मेजर सपोर्ट है उस पे उसके पास आता है गोल्ड, तो स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड जाओगे तो शायद मुझे लगता है कि उस पोजीशन में आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सेल पोजीशन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ जो है तो नेक्स्ट टारगेट आपको ध्यान में रखना है वो रहेगा मेजर टारगेट, और वो मेजर रेजिस्टेंस भी रहेगा वो रहेगा 55,900 का। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जैकपॉट एमसीएफ कॉल चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ सब डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। और आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।